तो आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी सभी डिफेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है एक कैलोरी का मान होता है, तो यहाँ पे आपका पहला दिया है 1.4 जूल, बी ऑप्शन दिया है 3.5 जूल, सी दिया 4.18 जूल, डी दिया 5.18 जूल। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल वाट न्यूटन पास्कल, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है आपका वो आपका जूल होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं जबकि नीचे के जल का ताप होता है। तीसरे का आपका पहला दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका झीलें जो जम जाती हैं वो आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो झीलें होती हैं वो जम जाती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल्सियस तापमान होता है एक सापेक्ष तापमान या एक निरपेक्ष तापमान या एक विशिष्ट तापमान या एक संयुक्त तापमान। तो चौथे का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक विशिष्ट तापमान। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान होता है 40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री या -34 डिग्री या -140 डिग्री। तो पाँचवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -140। आपको एक सूत्र पता होगा C/F = C/5/F-32/9। आपके लिए ये अब सूत्र याद रखिएगा। और आपका फ़ारेनहाइट तापमापी में जल जमता है 32 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 48 डिग्री पर या 37 डिग्री पर। तो आपके छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 88.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको पता होगा कि सातवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से सही है, तो आठवें का आपका सीधा मैं राइट ऑप्शन इसको बताऊंगा। अभी मैंने इसका सूत्र बताया था C/5 = F-32/9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया नवा नंबर किस तापमान पर फ़ारेनहाइट व और केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। नौवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद आप ये याद कर लीजिएगा सीधे 574.25 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने पाठ्यांक समान होते हैं आपका। अब आपका दसवां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है, तो आपका दसवें नंबर का आंसर हो जाएगा, मैं इसका सीधा आंसर बताऊंगा, निम्न तापमान परम शून्य ताप है 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस -459 डिग्री फ़ारेनहाइट या ये सभी। तो आपका ग्यारहवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप ध्यान रखिएगा ये आपका परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पे भी होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट -273 डिग्री सेल्सियस, ये सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसका सही है। बारहवें का क्वेश्चन आपका दिया गया है जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे हो। तो बारहवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता 100% हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है समान तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहियों पर ट्यूब पर भरी संपीड़ित वायु बाहर अचानक बाहर निकल जाती है तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। तो चौदहवें का आपका सीधा मैं राइट ऑप्शन इसका बताऊंगा समान तापमान के समान होती है, ठीक है आप इसको याद रखिएगा। पंद्रहवां क्वेश्चन आपका दिया निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है अल्कोहल थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो पंद्रहवें का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल थर्मामीटर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।